वेलकम मिसिंग डीआई। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। मिसिंग डीआई एक नया प्रचलन है कि डेटा को एनालाइज करने की आपकी क्षमता को जांचने का एक बेहतर तरीका माना जा रहा है और इसीलिए इसकी ओर और कैसलेट की ओर झुकाव है। तो मैंने बहुत सारे मिसिंग डीआई करवाए हैं। इस बार थोड़ा अलग हट करके आपके ही एग्जाम पैटर्न का उससे ही संबंधित ये मिसिंग डीआई है। आइए देखते हैं। डायरेक्शन डायरेक्शन से कि देर आर फाइव स्टूडेंट्स, आप में से ही कोई फाइव स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम। ओके, पेपर consists of 100 questions with 1 mark for each correct answer and 0.25 marks deduction, negative marking for each wrong answer. And ये आपका negative marks है and 0.25 marks for each wrong answer. यानी कहने का मतलब माइनस 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। समझ गए? यानी अगर आपने 4 करेक्ट किया, राइट आंसर है, और 1 रॉन्ग है, तो 1 रॉन्ग के लिए तो 0.25 लेस होगा और 4 के लिए आपको 4 मिलेगा। तो 4 में 0.25 लेस करेंगे तो 3.75 हुआ। अगर मान लीजिए आप 1 राइट करें और 4 रॉन्ग करें तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 राइट के लिए 1 मार्क मिलेगा और 4 रॉन्ग के लिए 1 रॉन्ग के लिए 0.25 यानी 1/4 ऑफ 1 मार्क, तो 4 के लिए 1 माइनस हो जाएगा यानी कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तो आप ये समझ गए, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, आदित्य, पुष्कर, अंशुमान, अलका एंड अवनीश। इन्होंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए उनका दिया हुआ है, कहीं कहीं ब्लैंक है, यही तो मिसिंग है। उन्होंने राइट क्वेश्चंस जितने किए, जितना सही हुआ उनमें, जैसे 92 में 76 राइट हुआ, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, राइट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे अंशुमान ने 98 अटेम्प्ट लिए, 100 में से 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस हैं, और 36 रॉन्ग हुए, आगे मिसिंग है। उसी तरह से अलका और अवनीश, तो हम लोग ये जो भी ब्लैंक है उनको फिल कर सकते हैं, फिल कर देते हैं पहले, ठीक है, फिल करते हैं तो रेड से फिल करते हैं। आइए सबसे पहले आइए कहीं से भी बात कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बोलेंगे कि ठीक है, 78 अटेम्प्ट लिया, कुछ राइट हुआ, कुछ रॉन्ग हुआ, और कुल मिला के 70.5 मिला। तो मान लीजिए राइट हुआ एक्स, तो रॉन्ग हुआ 78 माइनस एक्स, राइट के लिए 1 मार्क ईच, रॉन्ग के लिए 0.25 मार्क ईच, और राइट में से रॉन्ग लेस किया तो हमें आया 70.5, और इसे सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उससे x का वैल्यू निकलेगा यानी राइट का वैल्यू निकलेगा, और फिर हम लोग 78 में लेस करेंगे तो रॉन्ग का वैल्यू निकलेगा, और ये पूरा बढ़िया से निकाल लेंगे और एग्जाम ओवर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। आप मुझे बताइए, आपने 78 अटेम्प्ट लिए, ठीक, और 70.5 मार्क्स मिला। थोड़ा सोचिए कि 70.5 मार्क्स अगर मिले हैं तो आप 70 तो अटेम्प्ट नहीं लिए होंगे, 70 तो आपका राइट नहीं रहा होगा, उससे ज्यादा ही रहा होगा, क्योंकि 78 अटेम्प्ट है तो कुछ रॉन्ग भी हो गया ना। तो अगर अनुमान लगाइए कि अगर 71 आपने सही किया तो 71 के लिए 71 मिलेगा, और 71 सही होगा, राइट होगा, तो 7 रॉन्ग होगा तो ये फिर सही नहीं होगा। अगर 72 आपने राइट किए तो 72 मार्क्स मिलना चाहिए राइट के लिए, और 72 अगर राइट हुआ
तो बाकी 6 रॉन्ग हुआ 0.25 के हिसाब से, 1.5 रॉन्ग हुआ और देखिए 70.5 हुआ कि नहीं, तुरंत हो जाएगा। ये बहुत मजेदार बात है। आप क्या कर सकते हैं, 70.5 के बाद 71 टेस्ट कर सकते हैं, 72 टेस्ट कर सकते हैं, और ज्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं है। 73 जाते जाते तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपका 72 सही हुआ तो 72 मार्क्स मिले, ओके। 72 राइट होने पर 6 हो जाएगा रॉन्ग। आप देख लीजिए 72 और इसका जो डिफरेंस है वो 1.5 है, 0.25 के हिसाब से 6 क्वेश्चन के लिए होगा ना 1.5, यानी 6 रॉन्ग हुआ। बोलिए समझ में आया कि नहीं। 92 अटेम्प्ट लिए, 76 राइट हुआ, तो रेस्ट 16 रॉन्ग हुआ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए वो 16 हुए, और 16 रॉन्ग जब होंगे तो 1/4 यानी 4 कटेगा, और 76 मिलेगा, 4 कटेगा, लेस हो करके 72 होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, होगा कि नहीं। 98 अगर अटेम्प्ट लिया गया और 36 रॉन्ग हो गया, तो राइट कितना हुआ इसको लेस कीजिए तो 62 राइट हुआ। दोनों का सम है ना 98, 62 राइट हुआ उसके लिए 1 मार्क इच, तो 62 मार्क्स मिले, और 36 में 1/4 मार्क करके कटेगा तो 9 मार्क्स कटेंगे, 9 लेस कीजिए तो हुआ 53। बोलिए बोलिए बोलिए, मिले या नहीं। अब यहां पर आइए, 30 राइट क्वेश्चंस हुए तो 30 मार्क्स तो मिले, 30 तो मिले, कुछ रॉन्ग भी हुए होंगे क्योंकि 30 मार्क्स तो लिखा हुआ नहीं है। सोचते हैं कि 30 अगर राइट है तो 30 मार्क्स मिला था मुझे, ये कम कैसे हो गया, 27.25 कैसे हो गया, ये 2.75 मार्क्स कम कैसे हो गया, 2.75 को क्या बोलते हैं, तो 2.25 4 टाइम्स होने से 1 होता है, यानी 1 अगर लेस होगा तो 4 रॉन्ग होने चाहिए, 2 लेस होगा तो 8 लेस होने चाहिए, 2.75 लेस होगा तो 4, 8, 3, 11 होना चाहिए, कि नहीं 11 रॉन्ग हुए, 30 राइट हुए, तो क्या 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए गए कि नहीं। इसके बाद 56 अटेम्प्ट लिए गए, फिर एक बार बोलिएगा उसी तरह से कि x राइट हुआ, 56 माइनस x रॉन्ग हुआ, नहीं कर सकते भाई, ऐसे नहीं कर सकते। अरे 56 आपने अटेम्प्ट लिए और आपको 53.5 मिल गया, तो 53.5 मिल गया तो कम से कम 54 तो सही हुआ ही होगा ना, तो 53 तो हो नहीं सकता है, 53 सही होगा तो 53 मिलेगा और लेस होने से 53.5 थोड़े हो जाएगा, तो 54 अगर राइट होगा तो बाकी 2 रॉन्ग होगा, हाफ कटेगा, यस सही है। बोलिए है कि नहीं। यानी कि 52 राइट हुए और 53.5 है तो 54 राइट हुए, बाकी 2 रॉन्ग हुए, जिसके लिए 0.25 के हिसाब से 0.5 लेस हुआ तो 53.5 हुआ कि नहीं। मिसिंग डीआई का ये टेबल आपने पूरा कर लिया। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेचुरली ये प्रैक्टिस सेट है, कुछ डाटा तो ऐसे होंगे, फिर भी ऐसा क्या है इस डाटा में जो हम लोग कर नहीं सकते। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल में होना चाहिए। देखते हैं क्या है। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टोटल राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर एंड ऑल रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर इज। क्वेश्चन ये कहता है कि राइट वाला पूरा ऐड कर लीजिए, रॉन्ग वाला ऐड कर लीजिए और लेस कर दीजिए, जो भी बड़ा है लेस कर दीजिए तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। एक तरीका होता है कि हम लोग यहीं पर डिफरेंस लेते जाते हैं,
लेकिन उसका कंडीशन अलग है, ये नहीं है। सही है, आप बना सकते हैं, डिफरेंस लेके ऐड कर दीजिए, जो आंसर सही नहीं है, सुटेबल नहीं है। यहां पर जब दोनों नंबर बड़े बड़े होते हैं तो इन्हें ऐड करने में दिक्कत होती है, सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है, वहां पर हम लोग डिफरेंस लेके छोटा छोटा नंबर लेकर के ऐड कर देते हैं। या नहीं, यहां तो कहा गया इसको ऐड कीजिए, बोले करते हैं, रोकिए ना भाई, इसको ऐड कीजिए, लेस कीजिए, हां मैं इसे ऐड करूंगा, इसको ऐड बाद में करूंगा, रेडी। मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा, ये 72 है ना, 76 है ना, 62 है ना, 30 है ना, और 54 है ना, इसे मैं लिखता हूं समझाने के लिए। मैं क्या करता हूं कि 16 और 6 कितना होता है, 22 और 2 कितना होता है, 24 और 36 कितना होता है, 60 और 11 क्या होता है, 71 यहां पर काट देते हैं ना, 1 खत्म, इसे ऐड कीजिए। अरे ऐड क्या करें, ऐड तो हो गया, ये वाला छोड़ दीजिए, 70 और 30 100 होगा कि नहीं, और 60 और 50 110 होगा कि नहीं, 210 हुआ कि नहीं, और देखिए 10 और 3 13 223 हुआ कि नहीं, 223 हुआ कि नहीं, 223 हुआ कि नहीं, बताइए समझ में आया। उनके बोलने से थोड़े ऐड कर देंगे, थोड़े सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहां ऐड करेंगे और कहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमें सोचना है। हाँ, जो आप बोलते हैं मैं करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा ये तो मेरी इच्छा है। बड़े बड़े नंबर में 100 बनाना पसंद करता हूं, 70 एंड 30 100 होता है, 60 50 110 होता है, 210 को हटा लेते हैं, 210 को हटा लेते हैं, तो बताइए 10 और ये 3 13 हो करके 223 होता है कि नहीं, समझ में आया। आगे बढ़े, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेंड बाय आदित्य एंड पुष्कर टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाय अंशुमान अवनीश एंड अलका टुगेदर राउंडेड ऑफ टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स प्लेस। उन्हें जो मार्क्स मिले, किन्हें, आदित्य एंड पुष्कर को जो मार्क्स मिले, तो 140 पहले बोल दीजिए, 70 142.5, ये जो मार्क्स मिले ये कितना परसेंट है, उनके माने आई, उनके कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय किन के, इन तीनों के, अंशुमान अवनीश एंड अलका, इसे कैसे ऐड करेंगे ये बताइए। वहां पर मिटा देने से तो टेबल गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं। देखिए 53 है, 27.25 है और 53.50 है, इसे ऐड कैसे करना है वो देखिए। हमारा ध्यान सबसे पहले किस पर जाता है, देखिए ये 53 हाँ, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 100 को हटा देते हैं यहां से, इससे क्या होता है पूरा डाटा ही सुंदर हो जाता है। 50 50 100 हटाते ही आपको समझ में आ जाता है 100 तो हो चुका है 133.75, बोले होगा कि नहीं, कितना सुंदर बन गया। देखिए ऐड करने में कितनी दिक्कत हो रही थी, जैसे ही हमने 50 और 50 के नोट को हटा के 100 बना दिया, उसके बाद तो हमें दिखने लगा 27 एंड 3 30 एंड 3 33.75, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन तो ये कहता है कि ये इसका कितना परसेंट, सुनिए तो आप क्या करते हैं, दिस बाय दिस इनटू 100, अरे एग्जाम रहेगा कि जाएगा, ऐसे थोड़ा करना है, सब खत्म हो गया, इतनी मेहनत से इतनी दूर तक बनाया इसी के लिए, नहीं करना है ऐसा। अगर ये एग्जैक्ट का सवाल होता तो यहां बहुत कुछ है, 5 इज ए फैक्टर, 2 5s आर फैक्टर्स, फैक्ट्स 4 टाइम्स कर डालते, बना डालते, अप्रोक्स का सवाल है जी,
133.75 लिखा है ना, दिस इज 100%। अगर हमारे पास 142.5 है तो ये कितना परसेंट? अरे भाई 133.75 हटा दीजिए ना, इससे 133 इसमें से हटा दीजिए, करीब करीब 9 बचेगा, 8.25 बचेगा। 8.25 को क्या बोलते हैं? अगर हम लोग बोले 8.25 को क्या बोलते हैं, या कुछ भी बोलिए, 25 को बोले 5, मैंने कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इसको 100% बोले, 8 बोल दीजिए, 9 बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए चलेगा। अगर 133.75 इसमें से हटा दीजिए, तो 75 छोड़िए ना, 133 इसमें से हटाइए, 133 हटाएंगे तो 9 बचेगा, करीब करीब हटाएंगे तो 8.75 बचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता 8.75 लीजिए या 9 लीजिए या कुछ भी लीजिए, ये लीजिए या 9 लीजिए या कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बताता हूं? तो 100% तो हमारा हो चुका, इसको क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं, 10% को यदि हम ऐसे बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये 5% क्या होगा। ये हम 14 मान के 5% 7 बोलेंगे नहीं, 5% से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं, 7 से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं, तो 105 के बाद 106% होगा कि नहीं? आप मुझे बताइए, 106% के आसपास कुछ है? कुछ है, अप्रॉक्स का सवाल है, क्यों कुछ भी करें भाई? 133.75 मतलब 100%, उससे ज्यादा है ना 142.5, कितना 8 या 9 कुछ भी ज्यादा है। 10% को यदि हम 13.35 बोलेंगे तो 5% जरा देखिए, 5% देखिए क्या होगा, छोड़िए 5%, 13, 97, 91 करीब करीब 6, 7 बोलेंगे कि नहीं, तो 106.7% बोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि नहीं, 106.54, कोई नहीं है उसके आसपास, हो सकता नहीं है, ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, लेकिन जिस तरह से आप बना रहे हैं बहुत दूर हैं, आराम से दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल, थर्ड नंबर, इफ द पेनाल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर इज 0.33, हमारे क्वेश्चन में तो 0.25 है, कह रहे नहीं भाई, अगर वो 0.33 होता तो क्या होता? देन मार्क्स ऑब्टेन बाय आदित्य अंशुमान एंड पुष्कर टुगेदर इज, आदित्य अंशुमान एंड पुष्कर इन तीनों का चाहिए। जरा देखिए 0.33 कहा है, 0.33 कहा है, अगर वो 33 and 1/3% कहता तब तो 1/3 कर देते, बड़ा आसान था। इसने कह रहा नहीं 0.33 मतलब 33%, 0.50 होने से क्या होता 50%, तो 0.33 का मतलब क्या हुआ 33%। क्वेश्चन तो ये कहता है कि आदित्य अंशुमान एंड पुष्कर, आदित्य अंशुमान एंड पुष्कर, इन्हें इतने इतने मार्क्स मिले, वो तो मिलते रहेंगे राइट आंसर के लिए, रॉन्ग के लिए जैसे 6 है तो 0.25 के हिसाब से 1.5 लेस हुआ ना, नहीं 0.33% इसका निकालिए और इसमें लेस कीजिए, इसका भी 0.33% निकालिए और लेस कीजिए, इसका भी 0.33% निकालिए और लेस कीजिए, और तब जो आया उनको ऐड कीजिए। दिमाग खराब ऐसे करेंगे? अरे सुनिए सुनिए, इनको ऐड कर लेते बाद में करेंगे ना ऐड, रुकिए तो सही, ये तो हमें मालूम है कि 1 मार्क के लिए इतना इतना मिलेगा, रहने दीजिए ना इसको। मैं ये कह रहा हूं कुल मिला के रॉन्ग कितने हुए, तो जरा देखिए 36 and 16 कितना होता है, 52 and 6 = 58 होगा कि नहीं, 58 बताइए, या 22 and 56 58 रॉन्ग है ना, 58 रॉन्ग है, 58 जो है वो रॉन्ग है, तो इसका 33% निकाल लेते हैं ना, उतना मार्क्स माइनस होगा। हम तो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली है भी, और क्यों ना निकालें? अरे 33 में जो होता है वो 11 फैक्टर होता है, और 11 से किसे ना मल्टीप्लाई कर दें, देखिए बताता हूं, ये जो है 3 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 50 × 3 तो 150 होता है, और 8 × 3 तो 24 होता है, 24 and 150 = 174 होता है, 11 से मल्टीप्लाई करें तो 4191 होता है।
कितना टाइम लगा बताइए. एग्जैक्टली. कुल मिलाकर के तीनों का जो नेगेटिव मार्क्स होगा वो 19.14 होगा. इसे ही लेस करना है. और राइट आंसर के लिए जो मिलेगा ऐसे मिलेगा भाई, ऐसे मिलेगा. देखिए ये तो हमें दिखता है कि ये 10 है और ये 70 140 एंड 60 210 है कि नहीं. 210 में से 20 हटा दीजिए तो 190 बचेगा कि नहीं. और 20 में से जब इसे लेस करेंगे तो 0.84 होगा कि नहीं. 186. बताइए. कैलकुलेशन बड़ा टफ है लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूं बहुत आसान है. कहां है कैलकुलेशन बताइए. ये कोई कैलकुलेशन है? इसका तो बड़ा भाग मन में हो जाता है. इंटू 3 करके 11 से मल्टीप्लाई करना तो मन में हो जाएगा. 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल दे देंगे 19.14 होगा. टोटल 210 होता है, उसमें से 20 लेके बोलते हैं लेस कर लीजिए ना भाई 0.86 वापस कीजिए 190.86. क्यों ना आंसर होगा. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया. और लास्ट क्वेश्चन 3 questions. 4th question. आइए. If the passing person in 3 or 4th number, if the passing person marks in the exam is 50 marks, then at least how many questions has to be answered right by Pushkar? अगर आपने नहीं समझा तो ये अकेला क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इस DI set और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सेक्शन और पूरा का पूरा एग्जाम को बर्बाद कर देगा. इस पुष्कर ने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए हैं. वो तो यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां भी है, वहां भी. वो 50 लाने से पासिंग परसेंट मार्क्स इन द एग्जाम इज 50% मार्क्स लाने से आप पास होंगे. तो 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का है, तो आपको 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे. 1 मार्क ईच है फॉर ईच. और 100 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चन चाहिए, 100% चाहिए, 50% चाहिए, तो 50 मार्क्स. तो पासिंग परसेंट मार्क्स एग्जाम में 50 मार्क्स है. 50 मार्क्स छोड़ दीजिए परसेंटेज, 50 मार्क्स कैसे लाए, कितने क्वेश्चन बनाए कि 50 मार्क्स आ जाए. अगर आप दूसरे तरह से सोचेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा. इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक सुंदर सा ऑप्शंस को उठा लीजिए, बस तुरंत हो जाएगा. हमें 50 लाना है ना, रुक जाइए. हम लोग इसमें सबसे अच्छा नंबर 60 दिख रहा है, हमारे पास तो टोटल 92 है. अगर 60 राइट हुआ तो 60 मिलेगा और उसमें से 32 तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 92 अटेम्प्ट लिए थे और 32 का मतलब 1/4 का मतलब 8 लेस हो जाएगा तो 52 मिलेगा. बताए तो 60 लाने से तो पक्का पास, 60 अटेम्प्ट करने से तो हमको 52 मिलता है, हम पक्का पास होते हैं. 50 में पास है नहीं, मिनिमम चाहिए. क्या 59 कर सकते हैं? अरे 59 करेंगे तो 1 नंबर तो ऐसे ही घट गया, ये जो मिला था इसमें 1 तो ऐसे ही लेस हो गया. 51 0.25 और हुआ तो 50.75. 50 तो आ रहा है और 59 से नीचे होने का सवाल नहीं है क्योंकि अगर एक और रॉन्ग हो गया तो 1 जैसे ही लेस होगा, 50 से नीचे आ जाएगा, फेल कर देंगे. यानी मिनिमम मार्क्स, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट लेने हैं दैट इज 59. बोलिए इसे ऐसे ही सॉल्व करना है. और अब लास्ट क्वेश्चन, और अब लास्ट क्वेश्चन. इसे देखिए, कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोग ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं और ऑप्शंस से सॉल्व करना पसंद करते हैं, इसलिए ऑप्शंस का बड़ा महत्व है. आप जब भी क्वेश्चन पूछिए उसमें ऑप्शन जरूर दीजिए. लास्ट है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर. What is the percent of marks obtained by all of them together?
सबों ने मिलकर कुल कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया? तो सबों ने मिलकर इतना मार्क्स प्राप्त किया, मिला 2, 4, 2, 4, 5 500 टोटल क्वेश्चन हुए, उसमें से कुल मिला के इतने मार्क्स मिले। ऐड करने के लिए आपको आना चाहिए। ऐड करने का जहां तक सवाल है, आइए यहां पर मैं बताता हूं। 70.5 है, 72 है, 53 है, 27 है, और फिर 53 है, 0.50 है, और ये 27.25 था, ऐसे करके था। अब देखिए, सबसे पहले आपका ध्यान जाता है इसकी ओर जाता है, ये दोनों में से कोई भी ले लीजिए, इसकी ओर जाता है, क्योंकि ये कितना हो जाता है, 60 और 20 80, ये 80 हो जाता है, और ये हट भी जाते हैं, 80 हो जाता है। इस 80 को निकालिए देखिए, और ये 70 140 और 50 190 और 80 270 हुआ कि नहीं बताइए। ये वाला जो दोनों है, इसको पहले अलग कर लीजिए, 7 और 3, 53 और 27, इसे 80 बोली, और 70 लेफ्ट साइड, 70 140 और 50, 190 और 80, 270 अलग कर दीजिए, तो क्या बच जाता है, 3, 2, 5, 1, 6.25 बोली, इतना बचता है कि नहीं? ये ना बचता है, ये 70.5 था, ये 72 था, ये 53 था, यस 3, 2, 5 और ये 1, 6.25 ये मिलता है कितने में, 500 में। तो 50 में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, और डबल कर देंगे तो 100 में कितना मिलेगा, फिनिश्ड। इसे डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो ये हो गया 55, और इसे ऐसे बोल दीजिए, डबल कर दीजिए, ये हुआ कि 55.25 हुआ कि नहीं, 55.25 हुआ कि नहीं, 100 में कितना मिला, टोटल 500 में इतना मिला। बोलिए इस मिसिंग डीआई में आपको मजा आया कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया या नहीं? ओके, ऑल द बेस्ट।